मेरी तरह आप लोग नवंबर दिसंबर जनवरी में सिर्फ एक काढ़े का प्रयोग करना चालू कर दो, अगले 3 साल तक 3 महीने प्रयोग करेंगे आप लोग इस काढ़े को, और अगले आने वाले 3 साल तक आप लोगों को किसी भी प्रकार के आप लोगों को बीमारी की होने की संभावना 90% कम हो जाती है। स्पेशली अगर आपको दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा, आप स्मोक बहुत ही ज्यादा करते हैं, आप लोग किसी भी तरह का नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो आप लोगों की जो इन सब नशा करने से नुकसान होते हैं शरीर में, उनकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। स्पेशली आपको दिल से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी अगले आने वाले 3 साल तक। सिर्फ 3 महीने आप लोगों ने काढ़ा प्रयोग करना है, और 3 साल की गारंटी, 3 महीने का काढ़ा पीने से 3 साल की गारंटी। हाई बीपी नहीं होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं, और हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा, दिल की मांसपेशियां, दिल में ब्लॉकेज है वो बिल्कुल निकल के बाहर हो जाएगी। आज मेरे गले में थोड़ी सी टॉन्सिलाइटिस बन गई है, प्रॉब्लम है, खराश है, तो अगर आपको थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग स्किप मत करना, अच्छे तरीके से जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझो। देखो मैंने पिछले महीने से ही पीना शुरू कर दिया वो काढ़ा, और इस काढ़े को पीने से मैंने फायदे आप लोगों को बता दिए। आपको हॉस्पिटल का, अस्पताल का मुंह तक नहीं देखना पड़ेगा, बाकी और किसी तरह के आप लोग प्रॉब्लम को छोड़ ही दो, आप लोग को हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं आएगी। कितना कमाल का काढ़ा है, लेकिन जैसे मैं पीता हूँ, मैंने थंबनेल में अपना फोटो भी लगाया आप लोगों को, वैसे ही इस काढ़े को प्रयोग करना है, वैसे इस काढ़े को बनाना है। अच्छा अब बात बता दूं कैसे आप लोगों ने इस काढ़े को प्रयोग करना है। अब थोड़ा सा गले में खराश हो रहा है, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा, गुनगुना, क्योंकि मैं दिन भर ना गुनगुना पानी ही पीता हूँ। माफी चाहता हूँ आप लोगों से, मैंने बताया गले में थोड़ी सी खराश है, सोर थ्रोट है, बाकी तो मैं प्रिकॉशंस बहुत ही ज्यादा लेता हूँ, लेकिन सर्दियों में ना ये अमूमन नॉर्मल बात है, लेकिन मैं मेडिसिन प्रयोग नहीं करता हूँ। तो आप लोगों ने कभी आपको गले में खराश या गले में टॉन्सिल बन जाए, दिन में 4 टाइम गार्गल्स कर लो, गुनगुना पानी करो, उसमें सेंधा नमक डाल दो, सफेद नमक नहीं, सेंधा नमक डाल दो, ये आधा चम्मच हल्दी का डाल दो, उससे गरारे कर लो, गार्गल्स कर लो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेरी कल से प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो ठीक होना शुरू हो गई, कल तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या काम किया मैंने, हल्दी और सेंधा नमक, काला नमक के सिर मैंने गरारे किए, गार्गल्स किए, बस उससे मेरी दर्द और खराश धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, और कल तक पूरी तरह ठीक भी हो जाएगी। और साथ में ये मैंने काढ़ा प्रयोग किया था, जिसका आप देखिए ये फायदा होता है इस काढ़े को पीने से। हालांकि मुझे देखिए वायरल इन्फेक्शन हुआ, गले में खराश है अभी भी, टॉन्सिल दिए, टॉन्सिल ठीक हो गई, लेकिन किस चीज से, मैंने गार्गल्स किए, दोबारा रिपीट कर दो, मैंने गरारे किए, साथ में मैंने ये काढ़ा पिया, बस दिन में 2 टाइम। अच्छा अब सुनो काढ़ा बनाने की रेसिपी, आप लोगों ने आधा चम्मच या 1 चम्मच, 1 चम्मच जितना मैं लेता हूँ, आप लोगों ने 1 चम्मच अर्जुन की छाल का लेना, 1 चम्मच अर्जुन की छाल का, आधा चम्मच आप लोगों ने दालचीनी, आधा चम्मच आप लोगों ने मुलेठी, 6 पत्ते तुलसी के, और आधा चम्मच आप लोगों ने काली मिर्च, और 2 लौंग लेने हैं बस। इन सभी को आप लोगों ने पानी में 15 मिनट के लिए उबालना है, आपका काढ़ा 15 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। और जब आप इसको पीने लगेंगे, एक बात यह है ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग इसमें चीनी वगैरह ऐड कर देते हो, आपको नहीं करना। जब ये काढ़ा बनकर आप लोगों ने अच्छी तरह छलनी से इसको छान लिया, गिलास में आप लोगों ने काढ़ा बना के तैयार कर लिया, उसको छान लिया अच्छे से, उसके बाद उसमें या तो आप लोगों को शहद या तो आप लोगों को गुड़ डालना है, चीनी ऐड नहीं करनी। जैसे आप लोगों ने शहद डाल लिया या गुड़ डाल लिया, अच्छी तरह से घोला, उसके बाद आप लोगों ने इसमें दूध डाल देना है बस, गाय का, देसी गाय का दूध डाल देना है बस, आपका काढ़ा तैयार। इसको गुनगुना पी लो, और देखो इसमें अर्जुन की छाल
एक चम्मच मैंने डाल दी। क्यों डाला? अर्जुन की छाल तो अब मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं, भी क्या फायदे करता है। दिल को मजबूत, दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए आप लोग फ्री हो जाओ 3-4 साल तक। दूसरा, काली मिर्च। काली मिर्च आपके गले में अगर टॉन्सिल है, खराश है, उसको ठीक करने का काम करते हैं। उसके बाद में इसमें डाला तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब एंटीबैक्टीरियल का आप तो समझ लोगे। जैसे गले में टॉन्सिल बन गया, मैक्सिमम चांस होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो मैंने यही काढ़ा पिया, मेरा ठीक हो गया, क्या दिक्कत है। और बाकी जो दालचीनी का पाउडर है, जो मुलेठी का पाउडर है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा क्या क्या काम उसके होते हैं। तो आप लोग सिर्फ इसी काढ़े का सेवन करो, बाकी आप लोगों को इससे एक फ़ायदा और मिलेगा। बीमारी तो जैसे मैंने बताया मुझे प्रॉब्लम थी, अब तो काफ़ी हद तक कल से ठीक है, कल तक 3 दिन में मेरी बिल्कुल ठीक है जल्दी विदाउट एनी मेडिसिन। लेकिन यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा और गुनगुना पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि बोलने में ना आपको पता है गला सूख जाता है, जब गले में खराश हो तो गला सूखने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे वेट करेंगे, मुझे थोड़ा सा ना 1-2 सिप लेने पड़ेंगे, 1-2 घूंट गर्म पानी के पीने पड़ेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके चाय पीना आप लोग या गर्म गुनगुना पानी पीना चाहते हो उसको पी सकते। अच्छा जी, कहाँ पर थे हम लोग? अच्छा हाँ, काढ़ा। अच्छा तो ये काढ़ा आप लोगों को बना लीजिए, इसको पियो जैसे मैंने बताया वैसे ही पीना, दिन में 2 टाइम इसको पीना है आप लोगों को। इसके साथ थोड़ा सा देखिए ना, वैसे तो आप लोग इसके साथ कुछ भी खाइए, खट्टी मीठी चीज़ खाइए, लेकिन अगर आपको कहीं मेरी तरह गले में खराश और दर्द हो गए तो फिर आप लोगों को 3 से लेकर 7 दिन तक ना परहेज करना पड़ेगा। दूध नहीं पीना होता है, हाँ काढ़ा पीना ये तो पीना है 2 टाइम, दूध नहीं पीना होता है। साथ में आप लोगों को घी तरी हुई चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी होती है। अगर खाएंगे आप लोग साथ में ना तो ये काढ़ा असर नहीं देगा, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं शुरू में ही कंट्रोल जैसे मैं करता हूँ, तो आप लोगों को यही चीज़ इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। बस मीठी खट्टी चीज़ों से परहेज, अचार मलाई इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। टॉफी हो गए, बिस्किट्स हो गए, मीठी खट्टी चीज़ें मतलब आप लोगों ने नहीं सेवन करना है। तो बस ये प्रॉब्लम नॉर्मल से होती है, आप लोग इसको काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, आप लोग बाद में प्रिकॉशंस परहेज नहीं करते। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको एक काढ़ा पीना पड़ेगा। आज की वीडियो में मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को मैं जो मैं स्पेशल 3 दिन तक इस ड्रिंक को लेता हूँ, इस स्पेशल घर पे जो मैं बनाता हूँ वो मैं देख कर बता दिया, आप लोगों को यही काढ़ा पीना है। आपकी प्रॉब्लम ये कभी सर्दी जुकाम खांसी बुखार टॉन्सिलाइटिस वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन, अगर आपको दिल से जुड़ी बीमारी है उसमें भी काफ़ी हद तक असर देता है। कारगर ये घरेलू नुस्खा है, आप लोग सभी इसका प्रयोग करना शुरू कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, इतनी मेहनत से आप लोग के लिए मैं वीडियो सुनाता हूँ, आप लोग उनको फुल देखा करो, स्किप मत किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो।